Hello friends, so today we are shooting with one and only Paras Vashish, अपने पंजाब के उभरते सितारे. Please welcome Paras. Hi Paras. तो किवें लग रहा है शूट करके? मैंने पहली बार फील हो रहा है कि मैं एक्चुअली शूट कराना है. वैसे मैं तो फोन फान नाल खिंचदा रहा है तक फोटो, बट जिहड़ी प्रोफेशनल फील आ रही फर्स्ट टाइम आ रही. लव ते मैंने बहुत वधिया लग रहा थोड़े नाल थोड़ी टीम नाल काम करके. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम मेल पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, तो आज आपको BTS शो करेंगे सारा कि हमने कैसे इस पूरे इंटायर शूट को क्रिएट किया और कैसे रिजल्ट्स आए, उसके साथ साथ आपको कितने चेंजेस किए हमने, किस तरह का लाइट सेटअप रखा, तो आप सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में. तो एंड तक बने रहिए. अगर आप पूरा प्रॉपर डिटेल्ड आप व्यू चाहते हो कि कैसे आपको पोर्टफोलियो शूट को करवाना है, अगर आप खुद एक मॉडल हो या अगर आप एक फोटोग्राफर भी हो, तो आपने इसको कैसे शूट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में आप कि उनको कैसे पोज करना है, आप कुछ सिटिंग पोजेस कर सकते हो. मेक श्योर कि आपकी पिक्चर्स एडिट बहुत अच्छे तरीके से हुई हों, उनके आपने फीचर्स को चेंज नहीं करना, एनहांस करना है. और जिस तरह से आप एक मेन लाइट रख सकते हो, एक आप पीछे आप एक रिम लाइट क्रिएट कर सकते हो. और मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल प्लेन हो, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका सारा जो व्यूअर का ध्यान है आपके मॉडल पे होगा और आपको कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड नहीं रखना. आप उनके बहुत अलग अलग शॉट्स ले सकते हो, कुछ शॉट्स आप बैठ के ले सकते हो, उनको एक्सेसराइज करवा सकते हो. जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसमें इनको शेड्स डलवाए हैं, वॉचेस आप कॉम्प्लीमेंट्री रख सकते हो. सो कुछ आपको हर तरह का वेरिएशन रखना है. अगर आउटफिट की भी बात की जाए, कुछ आप कैजुअल आउटफिट्स रख सकते हो, कुछ फॉर्मल आउटफिट्स रख सकते हो. तो इसमें हमने इन टोटल 4 to 6 चेंजेस किए थे इस शूट में. ये इनफ होते हैं एक मेल पोर्टफोलियो शूट में रखने के लिए. अगर आप एक मॉडल हैं तो मेक श्योर कि आप शूट से पहले कुछ पोजेस मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकें, सो दैट आप शूट पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करो और ऐसा ना हो कि कुछ शॉट्स के बाद आप ब्लैंक हो जाओ. बाकी आप अपना फोटोग्राफर भी उस तरीके से चूज़ कर सकते हो जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके. सो इसमें हमने कुछ सिटिंग शॉट्स लिए, फिर उसके बाद हमने विदाउट किसी प्लेटफॉर्म के हमने उनको बिल्कुल नीचे लीन करवा के शॉट्स लिए, सो दैट हमारे पास सब तरह की वेरिएशन आ जाए. क्योंकि ये बहुत कैजुअल आउटफिट थी तो इसमें हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे कि उनको बहुत सारे पोजेस हमने डिफरेंट ट्राई किए. कुछ हमने स्टैंडिंग शॉट्स भी लिए, आपने जैसे स्टार्टिंग में दिया देखा है, और इस तरह के आप कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हो. उसके बाद हमने आउटफिट में एक्सचेंज करवाई. आप ध्यान रखिए कि जिस तरह की आपकी आउटफिट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही आप बैकग्राउंड चूज कीजिए. यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने रेड कलर का बैकग्राउंड रखा है. दो ये BTS वीडियो में आपको येलो कलर का थोड़ा सा ऑरेंज टोन में दिख रहा है. ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास शूट पे एक हेयर स्टाइलिस्ट या कोई मेकअप पर्सन ज़रूर हो जो आपके मॉडल को कंफर्टेबल भी फील करवा पाए. और अगर कुछ हेयर में चेंजेस है या फेस पे कुछ भी आपको स्वेटिंग या कुछ भी हो रहा है, तो आप वो चीज़ें भी करेक्ट कर सकते हो. और जब भी एक आप शूट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखिए आपने क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं. क्योंकि आपने जो आप शूट कर रहे हो उसमें क्वालिटी इमेजेस ज़्यादा रखनी है, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान रखना. बिकॉज इतनी ज़्यादा हमें इमेजेस की ज़रूरत नहीं होती. आपने ये ध्यान रखना है कि उनके सारे पोजेस, साइड पोजेस दिख रहे हैं, सारे एंगल से आपने इमेज ले ली है. और उसके बाद आपने कुछ ये भी ध्यान रखना है, उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी लेने हैं. कुछ में आप सॉफ्ट एक्सप्रेशंस रख सकते हो, कुछ में एटीट्यूड वाले भी रख सकते हो. तो ये चीज़ से अगर आप पहले कन्वे कर दो,
अपने मॉडल को, तो वो ये चीज़ें प्रिपेयर भी कर सकते हैं पहले, बिफोर हैंड। उसके अलावा आप पोर्टफोलियो में ये ध्यान रखिए कि आप हर तरह के शॉट्स लीजिए, जैसे कि कुछ क्लोजअप शॉट्स रखें, कुछ वाइड शॉट्स रखें आप, कुछ मिड लेंथ शॉट्स रखें और कुछ स्टैंडिंग शॉट्स रखें, जिसमें उनकी हाइट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, सब चीज़ों का अच्छे से आइडिया मिलता हो। और डिफरेंट डिफरेंट लाइट सेटअप के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या उनके सो दैट उनके डिफरेंट फीचर्स दिखें, उससे आपके पोर्टफोलियो शूट में एक वेराइटी क्रिएट होगी और एक आपका पोर्टफोलियो शूट स्टैंड आउट भी करता है। सो आप हर तरह की आउटफिट ट्राई कर सकते हो, कुछ फॉर्मल फॉर्मल क्लोथिंग भी रखिए, बिकॉज उससे एक डिफरेंट जेंटलमैन लुक दिखती है उस पर्सन की जो भी आपके मॉडल हैं, और वो उनको एक वैरायटी ऑफ, मतलब काम में बहुत सारी वैरायटी लेने में हेल्प करेगा। आगे वो अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं तो वो दिखा सकते हैं कि उन्होंने हर तरह की वो लुक कैरी कर लेते हैं, सो वो उनके पोर्टफोलियो में बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मॉडल को इमेजेस दिखाते भी रहिए, सो दैट उनको पता लगता रहे कि वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सप्रेशंस में, पोजेस में, क्या डिफरेंट वो नया ट्राई कर सकते हैं, और उनका कौन सा एंगल ज़्यादा सुंदर आ रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो वो एक कन्वर्सेशन आपकी बिहाइंड द कैमरा ज़रूर साथ के साथ होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चेंजेस लगता है कि अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट होके या थोड़ा सा अपने पोज को चेंज करके वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसको साथ के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, उससे आपके मॉडल भी कंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कोई चीज़, ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कर दी है, तो उनको साथ के साथ अप्रिशिएट करिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि उससे उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, वो और अच्छा करते हैं उसके बाद जब उन्हें अप्रिसिएशन मिलती है साथ के साथ। साथ के साथ आप ट्राई करते रहिए कि उनके हेयर्स में अगर कुछ भी आपको फ्लॉ लगता है, आप हेयर आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो साथ में थोड़ा बहुत चेंज करते रहे। इससे उनको एक तो ब्रेक मिल जाएगा, कुछ नया सोचने का टाइम मिल जाता है और उनकी लुक भी फ्रेश हो जाती है। हर तरह के शॉट्स रखिए, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने इससे टॉप एंगल से शॉट लिए हैं, इसे एक बड़ा डिफरेंट सी वाइब क्रिएट हो गई है इस शॉट में। सो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए आपको। अलग अलग सिटिंग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, किस पे आपको बिठाना है उन्हें, किस तरह से लीन करवाना है, क्योंकि डिफरेंट अगर उनके सिटिंग पोजीशंस होंगी तो उनके पोजेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर, बुक, कोई आप कप भी यूज़ कर सकते हो एक्सेसराइज करने के लिए शॉट्स को। तो इस तरह से आप बहुत ही प्यारा पोर्टफोलियो शूट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी, आपको आइडिया हुआ होगा कि हम अपना पोर्टफोलियो शूट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमारे साथ इन टच हो सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ परफेक्ट पोर्टफोलियो शूट लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।